पाठशाला। देखिए इसी गाने का एक ट्यूटोरियल पार्ट में आपको बताने वाला हूँ, तेरी मिट्टी। इसके गाने का जो टाइटल है वो है तेरी मिट्टी, केसरी मूवी का काफी अच्छा गाना, बहुत ही सिंपल सा है, ज्यादा इसमें कोई स्वर जो है कोमल या तीव्र नहीं लगेंगे, सिंपल से नोट्स इसमें शुद्ध स्वरों से ये बच जाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं, इसकी लाइनें यहां से नहीं शुरू होती हैं, लाइनें कहां से शुरू होती हैं, मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, इससे पहले का भी पार्ट है, फिलहाल आप ये देख लीजिए, वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं, ठीक है। तो अब ये जो पोर्शन उन्होंने बजाया, इसी को अगर अपर ऑक्टेव में बजा देंगे तो इसी का पार्ट अगला आ जाएगा। चलिए, मेरी जमी अफसोस नहीं, तो गा रे रे गा गा, देखिए गा रे रे गा गा ऐसे बनेगा, गा रे रे गा गा दो बार बजाएंगे तो मेरी जमी अफसोस। देखिए जितनी देर के लिए मैंने नोट्स को बोला, अगर उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आप इसको उतनी ही देर के लिए बजाएंगे तो ट्यून अपने आप बन जाएगी जितनी देर के लिए मैं नोट्स को बोलता हूं। जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, गरे रे गरे सनी धदा ससा, ग रे दे गरे ग गरे रे गरे सानी धधा ससा ऐसे, ये जो धार नहीं आए यहाँ पे लोअर ऑक्टेव क्या है, धा धा ससा ऐसे सानी है ना, सानी धधा ससा ससा मिडिल ऑक्टेव का, जितने नोट अभी तक हमने बजाए सारे मिडिल ऑक्टेव के एक्सेप्ट नी और धा। ऑक्टेव्स क्या होते हैं इसके लिए मेरी वीडियोस हैं, उनको आप देख सकते हैं कि लोअर ऑक्टेव में कैसे बजता है धा नी और मिडिल में कैसे बजता और ऑक्टेव क्या होते हैं मासूरी में, इसके लिए मेरे वीडियोस हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वो तभी मिलेगा जब बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो अब महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे, सा नी 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 ऐसे सा नी नी सा नी नी ससा सा नी नी ससा सा नी रे सा नी धा, महफूज रहे तेरी आन सदा, सा नी रे सा नी धा पा। ओ बिल्कुल देखिए, रे सा नी धा पा लगाएंगे हम तो सा नी नी सा 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 नी रे सा नी धा पा, सा नी रे सा नी धा पा ऐसे लग जाएगा। जाहे जान मेरी ये रहे न रहे, पा 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 रे, चाहे जान पा 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 रे, रे गरे रे गरे सा सा सा, जैसे मैंने बोला रे गरे सा सा सा, बिल्कुल ऐसे ही आप बजाएंगे तभी वो ट्यून मिलेगी हमें। अब पूरी लाइन को देखिए, मैं बजा के दिखा देता हूँ इसको। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे, अब ये जो हम दोनों लाइनें बजाई है, मेरी जमी अफसोस नहीं, अब सेकंड लाइन में आती है, फिर से वर्डिंग तो चेंज हो गई है और ट्यून बिल्कुल सेम है, बट अपर ऑक्टेव में बजानी है आपको, यानी कि जो लोअर ऑक्टेव के नी धा थे वो मिडिल में आ गए और जो
मिडिल ऑक्टेव के सारे गा थे वो अपर ऑक्टेव में आ गए, सा तो इसमें लगा नहीं है ऊपर की लाइन में। देखिए जो हमने पहले बजाया बिल्कुल जो सेम नोट्स बजेंगे, देखिए गा पर अपर ऑक्टेव में हो जाएंगे, गा रे रे गा गा, गा रे रे गा गा। जो हमने बिल्कुल ऊपर बजाया सेम अपर ऑक्टेव में बजा देंगे, एक ऑक्टेव ऊपर कर लेना। फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून बहे कहे, तो यही थे सा नी 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 सा। अब जो वो सेम लाइन बजेगी वो भी अपर ऑक्टेव, महफूज रहे तेरी आन सदा चढ़ जान मेरी ये रहे न रहे, पहले ऐसे था अब कैसे होगा। फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे, ऑक्टेव चेंज हो गया यानी कि एक अपर ऑक्टेव में आ गए। तो सेम नोट से सा नी 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 सा 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 नी रे सा नी दा पापा पा 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 रे रे गा रे सा सा सा, जो हमने पहले बजाया सेम ही अपर ऑक्टेव बजाना। अब तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, अब इसकी मेन लाइन आती है जिसपे टाइटल है सॉन्ग, गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरजू। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मेरा भी हौसला बढ़ता है कि हाँ कुछ लोग देख रहे हैं, व्यूवर्स जब बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, तो वीडियोस बनाने का मन करता है। और दूसरों के साथ शेयर भी करें, एंड तक जरूर देखें, अच्छी लगेगी तो जरूर लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तेरी मिट्टी में मिल जावा, देखिए यहाँ पे नोट लगेंगे पापा धा धा सा सा नी रे सा सा नी धा पा, देखिए पापा धा धा सा सा नी रे सा नी धा पा, पहले भी हमने सानी रे सा नी धा लगाया, रे सा नी धा पा पूरा अलंकार है, रे सा नी धा पा अवरोह क्रम के जो है हमारे नोट्स हैं स्वर के साथ जो स्वर होते हैं, पापा धा धा सा सा नी रे सा सा रे रे सा सा नी धा पा, ऐसे बजेगा। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, ऑलमोस्ट सेम लाइन फिर से रिपीट कर सकते हैं, पौधा धसा सा नी रे सा सा नी धा पा, ऐसी है पौधा धसा सा नी रे सा सा नी धा या पा भी हम टच कर सा नी धा पा तक ले जाएंगे हम इसको। इतनी सी है दिल की आरजू, ध ध प ध ध ध प ध ध प ध प म ग ग प, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। सेम जो भी उन्हें बजाई तेरी मिट्टी में मिल जावा, सेम ट्यून है वर्ड्स केवल अलग है, तो सेम ही नोट प प ध ध सा सा नी रे सा सा नी धा प। आप सोचेंगे मैं इतनी तेज नोट्स बोलता हूँ, ट्यून के हिसाब से, ट्यून जो हमारी जो कहती है हम उसके हिसाब से नोट्स बोलते हैं तो बजाने में आसान हो जाते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही बजाएंगे तो ट्यून भी अपने
एक जैसी निकलेगी, आपकी भी बिल्कुल वैसी निकलेगी जो गाने की है। ये इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगता थोड़ा फास्ट बताया मैंने, वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं आप। सेटिंग में जाइए यूट्यूब में, जब आप चैनल मतलब यूट्यूब उसमें देखते हैं वीडियो को, हाफ कर लीजिए, 0.75 कर लीजिए, तो आसानी से आपको उंगलियां भी दिखेंगी स्लो होके और आवाज भी स्लो हो जाएगी। चलिए, बजता है आगे एंड में एक, जिसके बाकी जितने भी स्टैंजा सब ऐसे ही बजते रहते हैं, दो दो लाइनों के अंतर पे ऐसी आती रहेगी, तेरी नदियों ऐसे में आती है एंड में, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, पासा पास से सीधे गा पे जाएंगे हम ना, पागा गा रे सा नी ऐसे, बाकी आगे सेम है ट्यून, थोड़ा सा पार्ट केवल चेंज है। तो इस तरह से आप इस गाने को आसानी से बजा पाएंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर लिखें। इसका जो शुरू का पार्ट है, तलवारों पे सरवार दिए, अगर लोग कमेंट करते हैं तो मैं इसको भी बना के दे दूंगा, अगर चाहते हैं कि हाँ होना चाहिए तो। यहाँ से गाना शुरू होता है, तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि आपको ये वाला पोर्शन भी चाहिए, तो मैं एक वीडियो और लेकर के आ जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।